तो गाइस आज आपको दुनिया में से सबसे प्राचीन दुर्लभतम और सबसे जागरूक मंदिरों में से एक मंदिर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम सुबह के 7:45 बजे घर से निकलकर हमारे गांव के बस स्टैंड पर आ जाते हैं, जहां पर 8 बजे की पारोला बस आ जाती है। फिर हम उसमें बैठकर थोड़ी देर के बाद पारोला बस स्टैंड पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफी भीड़ थी। फिर यहाँ से अमलनेर बस पकड़ने के बाद उसमें बैठकर कड़े कड़े हमारी जर्नी कंटिन्यू करते। फिर हम लोग फाइनली अमलनेर पहुंच जाते और यहाँ से तो प्राचीन और दुर्लभतम मंदिर कुछ ही दूरी पर स्थित है। फिर हम लोग हमारे सब पायदान को यहाँ रख देते और यहाँ से नंगे पैर पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हम लोग आज विश्व का एकमात्र भूमि माता और मंगल ग्रह देवता के महाराष्ट्र में स्थित मंदिर में आए। यहाँ से अपने पैर धूल कर मंदिर के करीब आकर देखते तो यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ है, लेकिन हमें तो भगवान के दर्शन लेने थे। इसलिए यहाँ से भगवान के दर्शन लेकर मन को प्रसन्न करके आगे जाकर माथे पर टीका लगवा कर आगे देखते तो यहाँ पर हजारों भक्तों की पूजा होने वाली थी, इसलिए वो वेट कर रहे थे। फिर हम लोग इतना घूमने के बाद अब बारी थी महाप्रसाद खाने की, जो एकदम सस्ते दाम में काफी अच्छे मिलता है, क्योंकि ये एक ISO मान्यता प्राप्त मंदिर है। महाप्रसाद की पर पर्सन कॉस्ट 54 रुपीज ओनली है, लेकिन आप जितना चाहे उतना खा सकते हो। हमारे तरह यहाँ पर हर दिन हजारों भक्त महाप्रसाद का आनंद उठाते। फिर हम महाप्रसाद खाकर हम लोग मछलियाँ और खरगोश देखकर पूजा के स्थल को देखकर अपनी इच्छा पूरी करने सिक्कों को खड़े करने लग जाते। मेरा तो नहीं हो पा रहा था, फाइनली हो जाता। यहाँ पर ऐसा मानना है कि जिसका भी सिक्का सीधा खड़ा हो जाता है उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन इतनी दूर आए तो कुछ तस्वीरें तो किसने तो बनती है, इसलिए यहाँ से कुछ अनोखी तस्वीरें खिंचवा कर यहाँ काफी समय बिता कर हम लोग फाइनली हमारे घर की तरफ प्रस्थान करते। काफी कुछ छूट गया है, लेकिन आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।